ये देखिए भाई, इसका कैसे डाटा 1.39 GB है, तो इसको जो है यहाँ से क्लियर कैसे कर देना है, ये वाला क्लियर कैसे यहाँ से कर देना है तो क्लियर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी प्रॉब्लम है भाई, मोबाइल स्टोरेज फुल हो चुका है, आपको भी बार बार मैसेज आ रहा है कि स्टोरेज रनिंग आउट, तो आज आपको 3 से 4 सेटिंग ऐसे बताऊंगा जिन्हें करने के बाद आपके मोबाइल का स्टोरेज जो है खाली हो जाएगा और आप उसमें कुछ भी जो है एप्लीकेशन या वीडियो कुछ भी डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आपका स्टोरेज जो है भाई भर जाता है, तो आप उसमें ना तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाते हैं, ना कोई वीडियो डाउनलोड कर पाते हैं, ना कोई ऑडियो, कुछ भी आप उसमें डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो भाई आप मेरा स्टोरेज देख लो, एक बार आपको दिखा देता हूँ कितना है, और मैं आपको ये सेटिंग करने के बाद भी दिखा दूंगा मेरा स्टोरेज जो है कितना खाली हुआ है। अभी आप देख सकते हैं मेरा स्टोरेज 53% यूज्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 GB अभी खाली है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना स्टोरेज जो है किस किस चीज ने ले रखा है। ये देखिए, इमेज ने, वीडियो ने, किस किस चीज ने कितना स्पेस यहाँ पर ले रखा है। तो देखिए इसको खाली करने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहली सेटिंग आपको क्या करनी है, आपको जो चौथे नंबर की सेटिंग है वो सबसे मेन सेटिंग है, उसे करने के बाद आपका स्टोरेज बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सेटिंग आपको क्या करनी है, आपको करना है भाई प्ले स्टोर के अंदर पहले सेटिंग। तो जैसे आप प्ले स्टोर में जाओगे, यहां पर आ गए, यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका ऊपर प्रोफाइल का आइकन शो होता है यहां पर, तो आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहां पर शो होता है भाई मैनेज एप्स एंड डिवाइस, ये देखिए आपको इस पर चले जाना है। जैसे ही आप यहां पर जाओगे तो ऑप्शन यहां पर आपको शो होता है, ये देखिए मैनेज का, और यहां पर आपको स्पेस भी दिखा देता है 55 GB और 114 GB में इतना जो है खाली है और इतना भरा हुआ है। तो देखिए आपको जाना है भाई मैनेज में। जैसे ही आप मैनेज में जाओगे तो यहां पर आपको शो होता है, ये देखिए क्या एप्लीकेशन आ गई, जितनी भी एप्लीकेशन आपके फोन में यहां पर जो है अभी इंस्टॉल्ड है वो सारी आपको यहां पर शो हो जाएंगी। और भाई जो भी एप्लीकेशन आपको अब यहाँ से अनइंस्टॉल करनी है जिन्होंने आपका स्पेस जो है भरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये डिवाइस आ गया यहाँ पर, कुछ मोबाइल में आएगा भाई यहाँ पर इंस्टॉल्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोट इंस्टॉल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है भाई सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए, तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में आज तक डाउनलोड की थी और उसके बाद उनको जो है अनइंस्टॉल कर दिया, मतलब इंस्टॉल की थी उसके बाद अनइंस्टॉल कर दिया, तो वो सारी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपके मोबाइल का स्पेस यहाँ पर घेर रही है। देखिए कितनी कितनी स्पेस जो है यहाँ पर घेर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे इनको जो है सेलेक्ट कर लेना है, सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। इस तरह से आपको भाई सारी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको अनइंस्टॉल करनी है, मैं तो कहता हूँ आपको सभी अनइंस्टॉल कर लेनी है। इस तरह सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर ऊपर डिलीट का ऑप्शन शो होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और रिमूव कर देना है। तो ये सभी एप्लीकेशन आपके जो है मोबाइल से रिमूव हो जाएंगे और आपका स्पेस भी यहाँ पर खाली होगा। अब आपको दूसरी सेटिंग यहीं पर क्या करनी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब आपको मेन सेटिंग क्या करनी है, अब आना है आपको अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में। जैसे ही आप मेन सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर आपको करना है सर्च भाई एप्स। एप्स सर्च करने के बाद जैसे ये ऐप है सबके मोबाइल में, ऐप मैनेजमेंट आ जाएगा, ऐप सेटिंग आ जाएगा, किसी के में खाली ऐप आएगा। तो ये सैमसंग का मोबाइल है, इसमें हम ऐप सर्च करते हैं तो यहाँ पर ऐप आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई यहाँ पर आ चुका है एप्स के नाम से एक जो है सेटिंग, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होंगे सभी दिखा देंगे कितना स्पेस आपका ले रही है। देखिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये एडोब स्कैन है सबसे ऊपर, तो मैं इस पर चलता हूँ, इसने मेरा कितना स्पेस यहाँ पर घेर रखा है 602 MB, और इसमें खाली क्या करना है, देखिए इस पर क्लिक करना है। ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसका स्टोरेज पर चलते हैं यहाँ पर, उसका कैसे डाटा दिखा देता हूँ भाई, ये देखिए 4 MB है। इसी तरह सभी बड़ी एप्लीकेशन ने यहाँ पर जो है आपका बहुत बहुत जो डाटा ले रखा होगा, तो आपको क्या करना है, इसे खाली करने के लिए यहाँ पर आपको ये कैसे वाला फोल्डर मिलता है, तो आपको कैसे डाटा यहाँ पर डिलीट कर देना है। इसी तरह जो है आपका इंस्टाग्राम होगा, आपकी फेसबुक होगी, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा डाटा यहाँ पर लेकर रखा हुआ होगा, तो वो आपको यहाँ से खाली करना है। जैसे एक बार मैं यहाँ पे फेसबुक पर दिखाता हूँ आपको, देखिए एक बार चलते हैं फेसबुक पर, यहाँ पर आ गए तो देखिए भाई फेसबुक का कैसे डाटा कितना है 478 MB। तो आपको इसको यहाँ से जो है क्लीन कर देना है, कैसे डाटा क्लीन क्लियर हो जाएगा, कैसे डाटा मतलब 478 MB आपकी ये खाली हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी जो है किसी और एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर चलकर दिखाता हूँ, यहीं पर देखिए एक बार उसका दिखाता हूँ। जो भी बड़ी एप्लीकेशन है वो भाई बहुत ज्यादा डाटा देकर रखते हैं, देखिए यूट्यूब, तो इस पर चलते हैं, इसका कैसे डाटा देखते हैं कितना है भाई, यहाँ पर स्टोरेज पर आ गई, ये देखिए भाई इसका कैसे डाटा 1.39 GB है, तो मुझे इसको जो है यहाँ से क्लियर कैसे कर देना है, ये वाला क्लियर कैसे यहाँ से कर देना है तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारी एप्लीकेशन यहाँ आपको शो हो जाएंगी जितनी भी आपके फोन में इंस्टॉल है, तो आपको जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन है, देख एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास VN एडिटर है, इसका भी आपको दिखाता हूँ कितना कैसे फाइल इसने यहाँ पर बना रखी है, देखिए इसकी भाई 256 MB है, तो हमें यहाँ से इसको भी क्लियर कैसे कर देना है। तो ऐसे करके आपको जो है बहुत सारी एप्लीकेशन को यहाँ से देखना है और उनका कैसे डाटा जो है भाई बार बार सबका जो है यहाँ से क्लियर करते रहना है, तो आपका स्टोरेज जो है भाई यहाँ पर 100% जो है खाली हो।
होगा। अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग क्या करनी है भाई, कुछ जो है आपके फोन में फालतू एप्लीकेशन होती है, कोई भी फालतू एप्लीकेशन पड़ी रहती है वो आपका डाटा घेरती रहती है, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे IRCTC की एप्लीकेशन है, मैं इसका यूज नहीं करता हूँ, तो इसको जो है अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपका डाटा खाली होगा। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको मेन सेटिंग एक और करनी है। मेन सेटिंग जैसे आपने यहाँ से कर लिया, आप गैलरी में आ गए भाई। गैलरी में आने के बाद जैसे मैंने ये फोटो यहाँ से ये फोटो यहाँ से इस तरह से डिलीट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, मूव टू रिसाइकल बिन, ये हमने कर दिया यहाँ पर, या मूव टू रिसाइकल ऐसा कुछ आ जाएगा आपके फोन में, तो आप कहेंगे कि वो फोटो तो डिलीट हो गया, पर वो फोटो हमारा यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है। ये सभी फोटो जो है आपकी गैलरी का एक रिसाइकल बिन होता है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या थ्री डॉट में मिल जाएगा यहाँ पर जो है, या थ्री लाइन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थ्री डॉट के अंदर आ गया रिसाइकल बिन, तो इस पर चलना है। तो इस पर जाने के बाद जितनी भी वीडियो ऑडियो हमने 30 दिन के अंदर जो है, लास्ट 30 दिन में जो है डिलीट की थी, वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इन्हें भी आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। इन्हें डिलीट करने के बाद आपका स्टोरेज तब खाली होगा, अदरवाइज आप गैलरी से डाउन डिलीट करोगे तो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएंगे, तो आपका स्टोरेज खाली नहीं होगा। तो आपको गैलरी से डिलीट करने के बाद आपको रिसाइकल बिन भी जो है पूरा खाली कर देना है डिलीट ऑल करके, तो आपके मोबाइल का स्टोरेज भाई 100% तक खाली हो जाएगा। तो एक सेटिंग आपको ये कर लेनी है, तो ये मेन सेटिंग थी, तो आपको ये भी कर लेनी है। इस तरह से भाई आपके जो है मेन सेटिंग तो आपकी एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन का आपको कैसे डाटा जो है बार बार जो है टाइम टाइम पर आपको डिलीट करते रहना है। तो इस तरह से भाई आप अपने मोबाइल का स्टोरेज खाली कर सकते हैं, फालतू एप्लीकेशन डिलीट कर दो, कैसे डाटा डिलीट कर दो, और भाई रिसाइकल बिन को जो है एम्प्टी कर दो, मतलब खाली कर दो। तो इस तरह से आप जो है अपने फोन को जो है खाली कर लोगे, और उसमें अब आप जो है कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कोई वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी जो चाहो आप वो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सेटिंग थी भाई, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, सेटिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।